हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कोई भी गेम्स वगैरह को कैसे प्ले कर सकते हैं अपने गेम स्पेस के जरिए, तो आज हम बताने वाले हैं कि गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कोई भी गेम्स वगैरह को कैसे प्ले कर पाएंगे मोटो G34 5G फ़ोन में, और कैसे आप गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं और गेम्स को कैसे प्ले करेंगे तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में गेम स्पेस है, तो गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे कोई भी गेम्स वगैरह को प्ले कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में, तो सिंपली आपकी सेटिंग्स है, शो हो रही है, शो हो रही है, तो आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करते ही आपके पास गेम बूस्टर आइकन्स आ जाता है। अगर आप गेम बूस्टर्स का आप यूज़ करते हैं, तो गेम बूस्टर्स के जरिए आप गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी गेम्स वगैरह को प्ले कर सकते हैं अपने मोटो G34 फ़ोन में। तो कोई भी गेम्स आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से प्ले हो जाती हैं। कोई गेम्स आप डाउनलोड करते हैं या फिर यहाँ से कोई भी ऐप्स या गेम्स को ऐड करना चाहें तो ऐड भी आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऐड करते यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाता है। और सेटिंग्स पे जाकर कोई भी गेम सेटिंग्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। यहाँ से परफॉर्मेंस सेटिंग्स जैसे डिफरेंट टाइप सेटिंग्स है, इनका यूज़ कर पाएंगे इनको सेट करके। तो इस तरीके से गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।